हेलो फ्रेंड, जय माता दी, राधे राधे। अब दे कैसे हो आप लोग? मैं ब्लॉग भी तंजू, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 6 और हम उठ चुके हैं, और मैंने सोचा अपने दोस्तों से सबसे गुड मॉर्निंग बोलूँ, तो बस गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। तो बताओ सब लोग। और देखिए, हम चाय रख दिए हैं, चाय हमारा बन रहा है। एक तरफ दूध उबल रहा है, एक तरफ चाय। देखिए, हमारी बिटिया रानी भी आ गई है, ये देखिए। और रात में बहुत तेज आंधी आई थी आज आप लोगों के यहाँ। ये बहुत तेज आंधी और नुकसान काफी हो गया, क्योंकि इस समय आम का टाइम है और कच्चे आम बहुत टूट गए हैं। पेड़ भी गिरे हैं काफी। तो हमारे न्यू ब्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत है। और बताओ सब लोग, हमारा ब्लॉग अच्छा नहीं लगता आप लोगों को, क्योंकि हम बाहर नहीं जा पाते हैं, घर ही में वीडियो बनाते रहते हैं। इसीलिए आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप लोग नहीं देखते हो। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं कुछ भी कर सकूँ आगे। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? और हाँ, एक बात और, कल मैं दो लोगों को ऐसे देखी हूँ जो बेचारे हार मान के YouTube छोड़ने का निर्णय बना लिया है। तो आप लोग एक काम करिए, क्योंकि जितने भी छोटे 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 चैनल हैं, प्लीज़ एक दूसरे का सपोर्ट करिए सब लोग, क्योंकि बड़े बड़े चैनलों को सपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े चैनल का अगर रिप्लाई कर दोगे तो रिप्लाई मतलब कमेंट करोगे तो तुमको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। कभी रिप्लाई नहीं मिला है, तुम लोग दे जानते भी हो, देखते भी हो, कभी रिप्लाई नहीं देते हो लोग। और छोटे चैनल पे अगर तुम हाय लिख देते हो तो हाय का बदला मतलब दोबारा वो लोग कमेंट करके ज़रूर हाय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटा चैनल है, इसलिए। तो आप लोग किसी की हिम्मत मत तोड़िए और सब लोगों छोटे छोटे चैनलों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि दो लोग ऐसे हैं तो हमारी लाइफ पे आए थे कल और बोल रहे थे। तो ऐसा मत करिए आप लोग, क्योंकि इस समय कैसे वीडियो चल रहे हैं वो तो हम सब लोग जानते हैं। क्या चाहते हो सब लोग एक ही जैसे हो जाए, जो ऐसे ताले वीडियो बना रहे हैं? क्या चाहते हो आप लोग वैसे सब बन जाएं? तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो सबके मन में क्या आएगा? हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे पे भी व्यूज आएंगे और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग ऐसा करिए, ताकि लोग छोटे छोटे चैनल का सब लोग सपोर्ट करिए, ताकि वो लोग कभी गलत ना हो। क्योंकि अगर जब भी वो गलत होते हैं तो हम लोगों के ही होता है, क्योंकि हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तब उन लोगों की सोच में ये पड़ता है, हम ऐसे वीडियो बनाएंगे ताकि ये लोग देखेंगे। तो हम लोग उनको बनाने पे मजबूर करते हैं ऐसे वीडियो। तो वो लोग गलत नहीं है, क्योंकि वो व्यू नहीं पाते हैं और थक हार जाते हैं, तब वो सोचते हैं अब क्या करें, अब क्या करें, कैसे हम आगे बढ़ें। उनकी गलती नहीं है। आजकल 2-3 साल से लोग मेहनत करते हैं, फिर भी वो नहीं जो उनको पाना चाहिए नहीं पाते हैं। तब अच्छा वीडियो टैलेंट बनाते हैं, फिर भी नहीं वो लोग उठते हैं। तब वो लोग क्या करते हैं, वो गंदगी में घुस जाते हैं, क्योंकि अच्छा वीडियो तो कोई अच्छा वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है, वो तो सब लोग देख रहे हो, बहुत कम है जो। और एक दूसरे का वीडियो जोड़ जोड़ के बना रहे हैं, जो गंदे वीडियो बनाते हैं वही जोड़ जोड़ के सब लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के वीडियो पे से ही व्यू आ रहा है लोगों पे। आजकल जो जो 2-2 हज़ार 3 हज़ार जिनके व्यू थे, आज देखो उनके लाखों में व्यू हैं, देखा है? तो क्यों? क्योंकि उन्हीं का वीडियो उठा के लोग कॉपी कर करके और उनसे व्यू पाते हैं, उनसे ही टाइमिंग वॉच टाइम पाते हैं, क्योंकि उसमें वॉइस अपना भी लगाते हैं ना। तो कहते हैं ना कहीं वो लोग जो करते हैं और वो लोग किए हैं, वो हम ही लोग मजबूर किए हैं उनको। अगर हम लोग सपोर्ट करते तो वो कभी नहीं जाते वो ऐसे गलत
दलदल में। तो आप लोग और भी लोगों को गंदा ना बनाइए और सभी का सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग अगर छोटे छोटे चैनलों को देखेंगे और सपोर्ट करेंगे तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे, तो वो लोग कभी ऐसा नहीं ख्याल आएगा उनके मन में। और क्योंकि वो लोग जब सोचते हैं ना हमारा तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा और हम, तो इसलिए वो लोग ऐसा रास्ता पकड़ लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मैंने कोई बात गलत कही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। माना कि हमारी बात किसी को अच्छी लगी होगी, किसी को बुरी लगी होगी, वो तो हमको मालूम है। बहुत लोग होंगे ऐसे जिनको बात हमारी बुरी लगेंगी, तो उनके लिए सॉरी हम पहले से बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात सच है जो हमने बोली है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या मैंने जो बोला है वो गलत है, प्लीज़।